खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक रफीक खान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यक कल्याण के लिए संचालित अन्य योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण सहित कई योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर असंतोष जताया। जब कई अधिकारियों ने शब्दों में उलझा कर सफाई देनी चाहिए तो उनकी खिंचाई भी कर दी। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल सभी 6 वर्ग के लोगों को योजनाओं से अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए। अधिकारी केवल खानापूर्ति ना करें, अनुपात के अनुसार लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पंजाबी एवं उर्दू भाषा के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी ली। बताया गया कि जिले में पंजाबी के 66 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 21 पद रिक्त हैं, वहीं उर्दू के 23 पद मंजूर है, इनमें से 11 खाली हैं। अध्यक्ष रफीक खान ने कहा कि निर्धारित संख्या में विद्यार्थी होने पर शिक्षा अधिकारी पंजाबी और उर्दू विषय स्वीकृति के प्रस्ताव शीघ्रता से भिजवाए, राज्य सरकार पद मंजूर करेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयोग अध्यक्ष रफीक खान ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक विकास निगम ढंग से काम नहीं कर रहा, बहुत कम ब्याज दर होने के बावजूद ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, इसलिए संबंधित अधिकारियों और लीड बैंक के अधिकारियों के कामकाज में सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी प्रकरण को लेकर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस को गहन जांच पड़ताल का आदेश दिया है। घटनास्थल से लिए गए सैंपल नेगेटिव मिले और पुलिस ने FIR लगा दी। प्राइवेट व्यक्ति से लिया गया सैंपल पॉजिटिव मिला, पुलिस ने प्राइवेट व्यक्ति से सैंपल लिया क्यों, ये भी जांच का विषय है कि क्या सैंपल आया कहां से। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि निष्पक्षता से जांच की जाए, दो समुदायों के बीच जो वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब आए करण हूँ लै खिंच के पार्टी के अंदर कोई घमासान नहीं है। अभी नए अध्यक्ष बने हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खड़गे साहब, और खड़गे साहब बहुत एक्सपीरियंस राजनेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी की मिसाल पेश की कि पार्टी में इलेक्शन इनसाइड पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी से कैसे अध्यक्ष बनाया जाता है, ये अगर कोई सीखे तो कांग्रेस पार्टी से सीखे। ऐसे आदमी को जो 10 बार असेंबली इलेक्शन, 2 बार लोकसभा और यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में हर जगह उन्होंने काम करके अपनी छाप छोड़ी, ऐसे आदमी को बागडोर मिली है तो एक नई ऊर्जा का संचार कांग्रेस पार्टी में होगा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, आज उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन शायद पूरे देश में नहीं है, और ऐसे आदमी को जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो इसका फ़ायदा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को होगा। और मैं उन पार्टियों को भी कहना चाहता हूँ जो पार्टी पॉलिटिक्स में अपने अध्यक्ष के पद को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से सबक लेना चाहिए। डेमोक्रेसी से इलेक्शन हो, एक नज़ीर पूरी दुनिया के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पेश की। मैं हमारे नए अध्यक्ष को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में न केवल राजस्थान जीतेंगे बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे और सरकार बनाएंगे 2024 में। आप ये भूल गए कि 1 साल पहले तक हमारा जो प्रायोरिटी थी वो जान बचाने की थी, कोविड से लड़ने की थी। और मैं ये कह सकता हूँ यहाँ आज हनुमानगढ़ ज़िले में बैठ करके कि पूरे हिंदुस्तान में आप कोविड मैनेजमेंट में अगर कंपेयर करोगे तो राजस्थान की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया और सबसे अच्छा कोविड मैनेजमेंट कहीं रहा, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की कहीं मेहनत रही और सबसे ज़्यादा जाने बची। ये स्टेट ऐसी नहीं है डेजर्ट के अंदर जाने बचाई, जहाँ पानी है, गंगा है, जमुना है, वहाँ लाशें नदियों में तैरती नजर आई। और राजस्थान के लोगों को घर बैठे, चाहे वो रेमडेसिविर का मसला हो, चाहे टॉसिलिज़म का मसला हो, चाहे ऑक्सीजन का दौर हो और चाहे वैक्सीनेशन का दौर हो, राजस्थान सब में अव्वल रहा। और यही कारण है कि आज आप सब और मैं यहाँ बिना मास्क के बैठे हैं। एक बहुत बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट हमने किया, 2 साल हमारे उसमें चले गए, अब 1 साल से पार्टी पटरी पे है, सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत से जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, कुछ जिलाध्यक्ष बाकी हैं जो बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे। सारे